नसरावद अखिल विश्व गायत्री परिवार हर पर्व त्योहार को भारतीय संस्कृति के पुनः जागरण एवं उसके पावन संदेश को जन सामान्य तक पहुंचाने के भाव से मनाता है। हमारे महान ऋषियों ने हर पर्व को समाज धर्म और संस्कृति के कल्याण से जोड़ा है। ये बात गायत्री परिवार कसरवत की महिला तहसील संयोजिका दुर्गा यादव ने कही। अवसर था गायत्री प्रज्ञा संस्थान में मनाए गए सामूहिक रक्षा बंधन पर्व का। इस अवसर पर गायत्री परिवार के सभी परिजन परिवार सहित उपस्थित थे। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत प्रबंध ट्रस्टी माधुरी मुखाती व दुर्गा यादव ने देव आह्वान कलश पूजन एवं देव पूजन से की। तत्पश्चात बहनों ने सभी भाइयों को तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधा। इस अवसर पर अनिला शर्मा ने कहा कि भाई सिर्फ अपनी बहन ही नहीं बल्कि हर बहन की रक्षक की शपथ थे। योगिता ने कहा कि सभी गुरु भाई और गुरु बहन आपस में प्रेम और आत्मीयता के विस्तार से इस पवित्र बंधन को और भी मजबूती दे सकते हैं। पुष्पा पटेल ने कहा कि हम सब मिलकर गायत्री परिवार के लक्ष्य मानव में देवत्व के उदय एवं धरती पर स्वर के अवतरण को साकार करने का महान व्रत आज धारण कर। लक्ष्मी पटेल ने कहा कि आज राखी का पर्व केवल लेन देन का व्यापार बन गया है लेकिन हम लोगों तक इस पर्व की महान शिक्षा को पहुँचाने का संकल्प है। प्रज्ञा संस्थान के युवा परिवार जत रामी पटीदार ने बताया कि एक बार राजा बलि ने देवता को बंदी बना लिया था। तभी माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर उनसे उपहार में देवता की मुक्ति मांगी। तभी से पर्व मनाया जाता है। जितेंद्र यादव ने कहा कि जिस प्रकार हम अपने भाई के प्रति भाव रखते हैं वैसे ही हर नारी के प्रति रखें। मनोज यादव ने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आने की बात कही। कसरवत तहसील सबराट पठानकोट।